स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आयु से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो देखिए, ये जो हम आज प्रश्न करने वाले हैं, इसको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसका उत्तर सही लाना है, वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, ए व बी की आयु का अनुपात, सॉरी आयु का योग 81 वर्ष है। वह इनकी प्रश्न देखिए आपके सामने है, ए व बी की वर्तमान आयु, सॉरी ए व बी की आयु का योग कितना है, 81। आयु का योग मतलब ए की आयु प्लस बी की आयु कितनी है, 81 दी गई है। ठीक है, वह इनकी आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो ए व बी की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए आपको दिया क्या है, एक तो आपको दिया है योग कितना है, 81 वर्ष। दूसरा आपको दिया है अनुपात कितना है, 4:5, जिसमें से जो अनुपात पहले आता है वही उसका होगा। ठीक है, तो ये किसका हो गया, ए का, और ये हो गया बी का। ए का अनुपात कितना है 4, बी का अनुपात कितना है 5, और आपको योग दिया है 81 वर्ष, मतलब ए और बी की आयु का योग है। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, ए व बी की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, वर्तमान आयु हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसके अंदर, क्या जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो आयु का योग, तब आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा अनुपातों का भी आप क्या करेंगे, योग करेंगे। अगर आपको दिया है आयु का अंतर, तब आप क्या करेंगे, अनुपातों का भी आप क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अगर आपको दिया हो आयु का गुणनफल, तो आप क्या करेंगे, अनुपातों का भी आप क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। ये चीज हमारे कहाँ काम में आने वाली है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए आयु का योग, जहां क्वेश्चन में बात की जाए आयु का योग, वहां आप क्या करेंगे, अनुपातों का भी योग करेंगे। समझ में आई बात। दूसरी चीज देखिए, आयु का अंतर जहां आ जाए प्रश्न में वहां आप अनुपातों का भी क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तीसरी चीज देखिए, आयु का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, गुणा करना, तो वहां आप क्या करेंगे, अनुपातों का भी आप गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस चीज को हम अप्लाई कैसे करेंगे इस प्रश्न में, वो देखिए। टोटल वर्ष हमें क्या दी गई है, 81, तो उसे ऊपर लिख लो। ठीक है, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, क्या दिया है प्रश्न में, आयु का योग दिया है, तो हम क्या करेंगे, आयु का योग दिया है तो हम अनुपातों का भी योग करेंगे। अनुपात कितने हैं, 4:5, टोटल कितने होते हैं, 9। 9 को उठा के आप कहाँ रखेंगे, जितनी आपको वर्ष दी गई है आयु का, आपको जितना ये दिया गया है, आपको वैल्यू दी गई है किसकी, आयु का योग, उसके नीचे आप लिखेंगे अनुपातों का योग। ठीक है, वापस देख लीजिए, आयु का योग बटा में क्या लिखेंगे, अनुपातों का योग। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां ये क्या है, आयु का योग है 81 वर्ष और अनुपातों का योग है कितना, 9 वर्ष। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, 9 ही हमने क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आयु का योग जब भी आपको प्रश्न में दिया गया हो तो हम अनुपात का भी क्या करेंगे, योग करेंगे। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, 9 लिखा है। जब हम इसे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे,
तो आपके पास बच के आता है कितना, 9। ठीक है, अब देखिए ए के लिए आपके पास कितना था अनुपात, 4, और बी के लिए अनुपात था आपके पास 5। 9 को गुणा करें 4 से, कितना आ जाएगा, 9 चौके 36। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु क्या आ गई, 36 वर्ष, और बी की कितनी आ जाएगी, 9 पंजो 45, और इसकी कितनी आ गई, 45 वर्ष। तो ए की कितनी आई, 36, और बी की कितनी आई, 45। आसान है, जल्दी हो सकता है, अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया इसलिए इतना धीरे धीरे करवाया है, बाकी क्वेश्चन जो है सेकंड्स में सॉल्व हो सकता है। ये अनुपात का योग दिया है, सॉरी आयु का योग दिया है, अनुपात का भी योग कर देंगे, आयु का अंतर दिया है, अनुपात का भी अंतर कर देंगे, आयु का गुणनफल दिया है, अनुपात का भी गुणनफल कर देंगे। ठीक है, फिर बात आती है सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपको अंतर दिया है तो यहाँ आप आयु का अंतर लिखेंगे, आयु का गुणनफल लिखेंगे, जो भी आपको पहले दिया होता है वो। ठीक है, नीचे आप क्या लिखेंगे, उनका योग लिखेंगे, अनुपातों का योग, उसे डिवाइड करेंगे, फिर जो आपके पास बच के आता है उससे आप अनुपात में गुणा करेंगे, तो आपके पास वर्तमान आयु आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, रमेश व सुरेश की आयु का योग 84 वर्ष है, वह 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, देखिए रमेश व सुरेश की आयु का योग क्या पूछा गया है, आयु का योग कितना है, 84 वर्ष। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन और आ गई है, और वो क्या है, 6 वर्ष पहले एक कंडीशन हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई है पहले से, इसे भी हम डील कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:7। आगे देखिए तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आयु का योग आपको क्या दिया है, 84। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सबसे पहले आपके क्या काम में, ये जो अब ये कंडीशन देखिए, 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले वाली कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए जहाँ हमें आयु का योग जो दिया गया है वो अभी का है। ठीक है, हमें कहाँ का निकालना है, 6 वर्ष पहले का निकालना है, तो रमेश की हम 6 वर्ष माइनस करेंगे और सुरेश की भी हम 6 वर्ष माइनस करेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 12 माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया, 72। ठीक है, अब इस 72 के योग पे हमें दोनों की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। ठीक है, अब हमारे पास योग कितना रह गया, 72, अनुपात कितना है, 5:7, योग है तो कितना होगा, 5+7 कितना हो गया, 12। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, आयु का योग बटा अनुपातों का योग, तो ये कितना हो गया, 12 छक्के 72। ठीक है, 72 आ गया, इसमें 6 आ गया आपके पास यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे ए का लिखेंगे, इसका रमेश का लिखेंगे 5 और सुरेश का लिखेंगे 7, और ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 30 वर्ष
और ये आ गया 42 वर्ष, 42 वर्ष। ठीक है, तो अभी की वर्तमान की रमेश की आयु कितनी आई है, वर्तमान में रमेश की आयु कितनी आई है और वो है 30 वर्ष, और सुरेश की आयु कितनी आई है वो है 42 वर्ष। ठीक है, समझ में आया। इस क्वेश्चन में एक ही कंडीशन अप्लाई थी, मतलब एक ही चीज हमारे पास एक्स्ट्रा थी, वो क्या है, 6 वर्ष पहले। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि 6 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद में, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो योग दिया गया है उसमें से आप 6 वर्ष माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति अगर 3 होते हैं तो तीनों का 3 बार माइनस करेंगे, 2 होते हैं तो 2 बार माइनस करेंगे, अगर अकेला व्यक्ति है तो उसका 1 बार माइनस करेंगे। ठीक है, और फिर वही सेम फॉर्मूला हमें लगाना है, फॉर्मूला भी नहीं, सिंपल सा है। ऊपर आप क्या लिखेंगे, आयु का योग बटा अनुपातों का योग, उसे सॉल्व करेंगे, ए के अनुपात से मल्टीप्लाई करना है, बी के अनुपात से मल्टीप्लाई करना है, और आंसर आपके पास में है। ठीक है, तो आगे देखिए स्टूडेंट्स जो है गलती यहाँ पे आगे क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, रमेश की आयु आई है 30 वर्ष और सुरेश की आई है 42 वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा हमने 84 में से 12 माइनस किया था, क्यों किया था, क्योंकि हमें जो अनुपात दिया गया था, क्या हमें जो अनुपात दिया गया था वो 6 वर्ष पूर्व का था, 6 वर्ष पूर्व का था। तो अब हमारे पास जो आयु निकल के आई है ये भी क्या है, 6 वर्ष पूर्व की है। ठीक है, तो इसे वर्तमान की वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में वापस 6-6 जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका 36 और ये हो गया आपका 48। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, 36 वर्ष, और सुरेश की वर्तमान आयु अब कितनी है, 48 वर्ष। समझ में आया, वापस हमने 6-6 दोनों में क्यों जोड़ा है, क्योंकि हमें क्या किया था, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में अनुपात जो है, हमें जो हमारा अनुपात जो है वो 6 वर्ष पहले का दिया था, तो हमने क्या किया, रमेश और सुरेश की 6 वर्ष पहले की हमने आयु निकाली, 6 वर्ष पहले की हमने आयु निकाली, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्तमान की पूछा है, तो वापस आयु निकालने के बाद में वर्तमान की पूछी जाए तो जहाँ पे हमने 6 कम की है तो हम वापस 6 उसे बढ़ा देंगे, तो वापस वो कहाँ आ जाएगा, वर्तमान में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, राहुल अपनी बहन से 10 वर्ष छोटा है, ध्यान से देखिए 10 वर्ष छोटा है, इसका मतलब क्या दे दिया, उन दोनों के बीच का अंतर दे दिया, अंतर कितना दिया 10 वर्ष, छोटा है इसका मतलब क्या हो गया, दोनों की एज में अंतर हो गया, और जहाँ अंतर की बात की जाती है वहाँ हम अनुपात का भी क्या करते हैं, अंतर करते हैं। तो देखिए 5 वर्ष पहले कंडीशन लग गई है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, आयु का अनुपात कितना था, 1:2, तो ये इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अंतर बटा अनुपात का अंतर, तो ये कितना हो गया 10। समझ में आया, अंतर बटा अनुपात का अंतर कितना आया, 10/1 कितना आया 10। ठीक है, अब देखिए तो 5 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगी, ये 5 वर्ष कहाँ से पूछ रहा है, वर्तमान से 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है, वर्तमान से 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है। तो देखिए पहले आप इसकी पहले की आयु तो निकालिए, यहां तक समझ में आया, अंतर के 10 कैसे लिया, 10 वर्ष छोटा है इसका मतलब क्या है, अंतर है, और जहां हम अंतर लेंगे वहां हम अनुपात का भी अंतर लेंगे, तो अनुपात का अंतर कितना आया 2-1=1। फिर हम क्या करते हैं, अंतर बटा अनुपातों का अंतर, अनुपातों का अंतर, और वो कितना आया 10/1=10। अब देखिए हमारे पास कितना आया है 10, राहुल एंड सिस्टर अनुपात कितना है 1:2, तो देखिए 10×1=10, 10×2=20, दोनों के अंदर 10 का डिफरेंस है, देख लीजिए। ठीक है, अब ये पूछता है वर्तमान के बाद में, तो देखिए ये तो है 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष पहले की क्या है 10:20। ठीक है, अब ये हम बात करेंगे वर्तमान की, जब हम इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे तो हम आएंगे वर्तमान के अंदर 15 वर्ष और 25 वर्ष। ठीक है, लेकिन प्रश्न ने क्या पूछा है, वर्तमान के 5 वर्ष बाद। ठीक है, वर्तमान के 5 वर्ष बाद मतलब वापस से 5 जोड़ना है, और ये कितना हो जाएगा 20:30, तो राहुल की एज कितनी हो गई 20 वर्ष, और उसकी बहन की एज कितनी हो गई 30 वर्ष। ठीक है, समझ में आया। अब हम एक लास्ट एक प्रश्न देखते हैं गुणनफल का,
हमने योग का कर लिया, अंतर का कर लिया, अब एक गुणनफल का और क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखिए, ए व बी की आयु का गुणनफल 320 है, 320 है, वह इनकी आयु का अनुपात 4:5 है, तो ए व बी की आयु बताइए। ठीक है, हमें क्या दिया है, गुणनफल, गुणनफल कितना है 320। ठीक है, हमारी बात क्या हुई थी, आयु का गुणनफल दिया हो तो अनुपात का भी गुणनफल करेंगे। अनुपात कितना है, अनुपात कितना है हमारे पास 4:5, 4 × 5 क्या कितना आया 20। फिर हम क्या करते हैं, हर बार हमने क्या किया, योग बटा अनुपातों का योग, फिर हमने किया अंतर बटा अनुपातों का अंतर। ठीक है, और अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, गुणनफल बटा, गुणनफल बटा अनुपातों का गुणनफल। ठीक है, और ये कितना होता है 320 बटा 20, 0 से 0 गया, ये आया 16, हमारे पास कितना आया 16। अब ठीक है, योग का आपको पता है, अंतर का आपको पता है, लेकिन गुणनफल में आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी प्रश्न आपके पास गुणनफल का आए, और जो आपके पास यहाँ पे डिवीजन करने के बाद में आता है, भाग देने के बाद आता है, आप उसके हमेशा एक रूट लगाएंगे ऊपर, स्क्वायर रूट उसके ऊपर लगाएंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे, वो आता है 4। ठीक है, ये कंडीशन है इस क्वेश्चन की कि आपको डिवीजन करने के बाद में स्क्वायर रूट लगाना है। ठीक है, फिर आता है 4, स्क्वायर रूट करने के बाद हमारे पास आया 4। ए का अनुपात कितना है 4:4, और बी का कितना है 5। 4 को गुणा किया 4 से, आया 16 वर्ष, और 4 को गुणा किया 5 से, आया 20 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने एज पे, एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं, जिसके अंदर योग के भी क्वेश्चन है, अंतर के भी क्वेश्चन है, और लास्ट फाइनल हमने क्वेश्चन किया है गुणनफल, जिसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जब भी आप डिवीजन करें, जब भी आप डिवीजन करें, जैसे हमने 320 में 20 का भाग दिया था तो आता है 16, तो 16 में आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाना नहीं भूलिएगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे, उसके बाद में आपके पास एक और नंबर आएगा, उस नंबर का आप एज निकालने के लिए उस अनुपात से आप हमेशा उसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय श्री राम। डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात के 2:11 बजे देखने के बाद हो गया। वीणा पाणी की, वीणा पाणी की अनुकंपा से, अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि, संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट लगन, उत्कृष्ट लगन, समन्वय, समन्वय, वैपूर्ण आत्मविश्वास के योग से, वैपूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना, हम अपना लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तथा तथा भविष्य में भी, भविष्य में भी करते रहेंगे, करते रहेंगे, और जो कुछ करनी है, और जो कुछ करनी है उसके लिए, उसके लिए नहीं शब्द, नहीं शब्द हमारे, हमारे शब्दकोश में, शब्दकोश में नहीं है, नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
पकड़ा उस पानी में डाल जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया। और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरु जी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पी रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के लिए।